हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अष्टमी नवमी के में जो प्रसाद के रूप में बनाया जाता है चना पूरी हलवा, या फिर भंडारे में आप खाते होंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगी, परफेक्ट जैसा भंडारे में खाते होंगे वैसा टेस्ट आता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं भंडारे वाली चना पूरी हलवा। भंडारे वाले काले चने बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप काले चने को ओवरनाइट सोक करके रखा था। आप इसे 5 से 6 घंटे भी भिगा सकते हैं। अभी काले चने को हमें उबालना है, तो काले चने को मैंने पानी से निकाल के छान लिया है। अभी इसे उबालने के लिए कुकर लेंगे, कुकर में डाल देंगे ये हमारे काले चने, साथ में डाल देंगे 1 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। तेज़पत्ते का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चने में। और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। काले चने को हमने पकने के लिए कुकर में डाल दिया है। अभी काले चने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी लिया है, कटोरी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी चिली पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। अभी इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके इसका एक मसालों का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। चना जो हमारा पक चुका है, प्रेशर निकल चुका है, एक बार ढक्कन खोल लेते हैं। तो ये जो हमारे चने हैं वो कुक हो चुके हैं। एक बार इसे मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह मुशी हो रहे हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे और फिर इसका चना मसाला बनाएंगे। चना मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन गर्म किया है। पैन में डाल देंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे हींग। जीरा को 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे। ऐसे ही हमारा जीरा कुक हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है, और 2 हरी मिर्चें को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब अदरक हरी मिर्च को 10 से 15 सेकंड तक पकाने के बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया था इसे डाल देंगे। स्लो फ्लेम पे ही मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसमें से तेल रिलीज ना हो जाए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे मसाले जो है भून गए हैं, इसमें से अच्छी तरह ऑयल रिलीज हो रहा है। तो जो हमने काले चने को रखे थे उसे डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे ही काले चने को अच्छी तरह मिला लेंगे मसालों में। बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे नमक, लगभग 1/4 चम्मच नमक हमने चने में भी डाल रखा था इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी क्या करेंगे कि काले चने को मसालों के साथ ढक करके लिए 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। चना को मसालों के साथ कुक करते हुए 2 मिनट हो गया है। तो ये देखिए हमारा एकदम भंडारे वाला चना बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल सेम तरीके से बनाते हैं, एकदम परफेक्ट बनके तैयार होता है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये उसी तरीके का चना है जैसा कि आप भंडारे में खाते होंगे। चने में सबसे लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और ये हमारा भंडारे के जैसा चना मसाला बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा चना मसाला भी तैयार हो गया है, इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। सूजी का हलवा बनाते समय मेजरमेंट का काफी ध्यान रखना होता है। तो कोई भी आप कटोरी ले ले मेजरमेंट के लिए एक साइज का और उसी से सारी चीजों को मेजर करें। तो यहाँ पे मैंने जिस कटोरी में सूजी लिया है उसी कटोरी से मैंने उतना ही चीनी लिया है और उससे थोड़ा कम घी लिया है। एक्चुअली जितना सूजी डलता है उतना ही चीनी और उतना ही घी डलता है, लेकिन मैंने थोड़ा कम लिया है। आप चाहें तो उतना ही घी भी ले सकते हैं। और जितना सूजी लिया उसका 4 टाइम्स लेना है हमें पानी। इसमें कटे हुए नट्स आप अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं, कोई भी स्किप कर सकते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम किया है। पैन में डाल देंगे घी,
जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी को हमें घी में मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक भूनना है। इसे बहुत देर के लिए नहीं छोड़े वरना तले वाली सूजी जो है जल जाएगी, तो इसे थोड़ी थोड़ी देर पे लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। कभी कभी जो हमारा पैन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस समय पे थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और आप देख सकते हैं सूजी का जो कलर है हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है। हलवा के लिए हमेशा मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करें, तभी हमारा जो हलवा है एकदम दानेदार बनेगा। अभी जब हमारी सूजी इतनी इस स्टेज तक भून जाए तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे कटे हुए, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े फ्राई हो जाए। तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम डाल रही हूँ और मैंने यहाँ पे 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम डाला था। आप यहाँ पे पिस्ता किशमिश भी डाल सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सूजी जो है अच्छी तरह भून चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी पानी, साथ में डाल देंगे चीनी। तो आप देख पा रहे हो कि हलवा धीरे धीरे जो है हमारा थिक हो रहा है, जैसे जैसे कुक हो रहा है हमारा हलवा तैयार हो रहा है। तो ये हमारा भंडारे वाला दानेदार हलवा बनके तैयार हो गया है। तो अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हलवा बनाते हैं तो आपको हलवा बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। अभी गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ। हमारा सूजी का हलवा तैयार है, इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। पूरी का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है गेहूं का आटा और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मोयन के लिए घी, 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक। घी नमक और आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एकदम सख्त डो लगा के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी के आटे के लिए एकदम सख्त डो लगा के तैयार कर लिया है। अभी इस डो को हमें रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद इसकी पूरियां बनाएंगे। पूरी के आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो गया, एक बार फिर से इसे मिला लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके पूरियां बेल लेंगे। बेलन को हल्का घी से ग्रीस कर देंगे। पूरियों को तलने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया, इसमें डाल देंगे हमारी पूरियां। तेल को इस तरह से उछलाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी कितनी बढ़िया फूल के तैयार हुई है। सिमिलरली सारी पूरियां बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमारी फुली फुली पूरियां भी बन के तैयार है, चना भी बन के तैयार है, हलवा भी तैयार है। चना पूरी हलवा को परोसने के लिए एक मैंने पत्तल लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं, पहले मैं डाल रही हूँ हलवा। तो ये देखिए एकदम दानेदार हलवा बनके तैयार हुआ है। तो आप सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका भी हलवा एकदम मजेदार दानेदार बनके तैयार होगा, जैसा कि आप भंडारे में खाते हैं। साथ में डाल देंगे हमारी ये फुली फुली पूरियां, ये हमारा चना मसाला।
तो फ्रेंड्स मेरे बताए तरीके से एक बार ये हलवा पूरी चना जरूर बनाएं, एकदम वही टेस्ट आएगा जैसा कि आप भंडारे में खाते होंगे। तो अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आगे आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।